अंडा करी है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और ये बहुत इजी है बनाने में। गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं अंडा आलू करी। सो गाइस मैंने यहाँ में अंडे को बॉईल करके छील लिया है। यहाँ में एक मीडियम साइज का प्याज को मैंने बारीक काट लिया। यहाँ में मैंने 3 हरी मिर्च ले लिया है। यहाँ में अदरक और लहसुन को छील लिया है। 4 टमाटर ले लिया और यहाँ में मैंने आलू ले लिया है बॉईल हुआ हुआ। गाइस हम अभी अदरक और लहसुन को पेस्ट बना लेंगे। अब हम टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे। सो गाइस मैंने यहाँ में अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। सो गाइस मैं यहाँ में गैस की तरफ आ चुकी हूँ। पहले हम यहाँ में सरसों का ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ में 2 बड़ा चम्मच डाला है। मैं यहाँ में फोक से छेंदा कर लूंगी। ऐसे ही हमें सब में कर लेना है। मैं यहाँ में आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी और सब अंडे को डाल दूंगी। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। मैं यहाँ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दी हूँ। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मेरा फ्राई हो चुका है। अब हम सबको निकाल लेंगे। देखिए अब हम वही तेल में आलू भी फ्राई कर लेंगे। हमें आलू को नहीं काटना है। अब हम इसके ऊपर से नमक डालेंगे। अब फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हम इसमें और 2 चम्मच तेल डाल देंगे। मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डालूंगी। अब हम प्याज डाल लेंगे। मैंने प्याज को बारीक काट लिया है। मैं यहाँ में 2 हरी मिर्च को तोड़ के डालूंगी। अब हम इसको भी भून लेंगे। हमें सब आलू को 4-4 टुकड़े में काट लेना है। ऐसे हमें इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। अब हम मिक्स कर लेंगे। इसको हमें भून लेना है। अब हम टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सो गाइस अब हम यहाँ में मसाले ऐड कर लेंगे। जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल लेंगे हम। हमें यहाँ में काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच डालना है। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, आप अपने तीखे के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। नमक 1 चम्मच डाल दूँ, आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब हम मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से भून लेना है 2-3 मिनट के लिए। हमें इसको 2 मिनट के लिए भून लेना है और ये तेल छोड़ने लगा है। यहाँ में मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। आलू डाल लेंगे हम। इसको भी हम भून लेते हैं। मैं इसमें पानी डाल लूंगी। हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भून लेना है। उसके बाद हम अंडा डाल लेंगे। अब हम अंडा डाल लेंगे। अब हम धनिया पत्ता डाल लेंगे, हरा धनिया जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल लेंगे क्योंकि हमें इसको करी बनाना है। अब हम मिक्स कर लेंगे। इसको हमें 2 मिनट के लिए पका लेना है। हम इसमें गरम मसाला का पाउडर डाल लेंगे 1 चम्मच। अब हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मेरा ये कितना जल्दी तैयार हो चुका है। इसका बहुत अच्छा कलर आया है, एकदम होटल के जैसे कलर आया है इसका। ये हमारा बन चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। थोड़ा धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। अब हम सर्व कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम रेस्टोरेंट के जैसे। आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी या पराठा के साथ भी आप खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं एक बार और बोल रही हूँ। अब हम धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।